फिर बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और देखा जाए तो लगातार दिल्ली में क्राइम का ग्राफ भी बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा ही एक मामला आजादपुर मंडी के पास का है, जहां लगातार व्यापारियों को तंग किया जा रहा था। एक बदमाश द्वारा लगातार लेबर वर्ग से और व्यापारियों से पैसे वसूले जा रहे थे, छीना झपटी की जा रही थी, जिसके चलते कई बार पुलिस को कंप्लेन भी की गई। लेकिन आज एक बार फिर सभी ने मिलकर महेंद्र पार्क थाना में कंप्लेन दर्ज कराई और थाना अध्यक्ष ने सभी को आश्वासन दिया। यह ऐसा है, यहाँ पे ना बदमाशी ज्यादा हो गया। ये बंदे जितने हैं ना, वो आलू प्याज बेचते हैं या गोभी बेचते हैं, इनके साथ मारपीट जबरदी 10-15 लड़के आते हैं, मारपीट करते हैं, पैसे मांगते हैं। अगर पैसे नहीं दिए ना, पैसे अगर नहीं देते तो आके मारपीट करते हैं, हाथ पैर तोड़ देते, कहते अगर नहीं तो जहाँ मिलेगा वहाँ मार दूंगा। अच्छा, इन पे हमने चौकी पे कंप्लेंट किए, वहाँ महेंद्र पार्क थाना पे भी किए हैं, अशोक विहार पे भी गए थे, कोई सुनवाई नहीं होता हमारी। तो पुलिस वाले क्या बोलते? पुलिस वाले यही कहते हम पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे, बंद कर देंगे, मगर नहीं करते कभी। पूरा मामला यही है, वो कहता है 3-4 हजार महीने दो, नहीं देगा टांग हाथ सबको तोड़ दूंगा, जान से मार दूंगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा। पुलिस चौकी जाओ, चाहे प्रधानमंत्री के पास जाओ, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाओ, किस बात के टैक्स नहीं देगा, जान से मार दूंगा। कौन सा टैक्स है? टैक्स रोड पर बैठने का टैक्स ले रहा है। अच्छा, अवैध रूप से ले रहा है, अवैध धमकाता है, मारता है। क्या नाम है उसका? संतोष। कहाँ का रहने वाला है? ये भरसवाम, यूपी के है, आजमगढ़ का भरसवाम रहता है। हमारे को मारा अभी तुरंत 10-15 मिनट पहले। वो कहता है कि तुम जहाँ जो करोगे कर लो, हम तुमको जब मारेंगे तब मारेंगे, पैसे लेंगे। नहीं, किस बात के पैसे लेगा? वसूली करेगा, जबरदस्ती छीन नहीं दूंगा तो करेगा कि तेरे जान से मारूंगा, ऐसे करूंगा। मंडी में कब से चल रहा है ये? बहुत दिन से उसको चल रहा है, कम से कम 1 साल से ऊपर हो गया। कौन कौन लोग हैं इसके साथ देने वाले? संतोष है उसके साथ में, जो वो आदमी है उसके साथ, नेता लीडर है, जो भी है सब उसको साथ देता है। कहते तुम जहाँ जाओ रिपोर्ट लिखाओ, जहाँ कुछ करो उसके कोई। हमारे SHO साहब ने बहुत अच्छा आज हमें आश्वासन दिया और हमारे साथ कोऑपरेट किया, और जितना ये बदमाश है इसको जल्द से जल्द पकड़ने का भी दिया है। और हमारे जितने मजदूर भाई हैं उनको उन्होंने अपने फ़ोन नंबर तक दिए हैं कि आप कभी भी रात हो चाहे दिन हो चाहे शाम हो, आप हमें कॉल करो, उस बंदे को हमें पकड़वाने के लिए आपका भी सहयोग चाहिए। जब भी वो आए उनको हम पकड़ के लेके आए, या इनके जो भी हैं 2 कांस्टेबल इनके साथ जाएं, माल बेचते हैं वहाँ मिलेंगे, और इस पर बड़ी कार्रवाई भी करेंगे, जिससे हमारे मजदूर भाई जितने भी हैं लोग अभी संतुष्ट हैं। वहीं लोगों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो वो आने वाले समय में मंडी के गेट पर धरना देंगे। इस समय हम लोग खड़े हैं महेंद्र पार्क थाने के पास। यहाँ पर जो आजादपुर मंडी है उसके कुछ व्यापारी थे जिनको एक बदमाश काफी समय से तंग कर रहा था, उसके लिए वो थाना अध्यक्ष को यहाँ पर आज एप्लीकेशन देने आए हैं कि हमें इस बदमाश से बचाया जाए जो उनसे उनकी मेहनत के पैसे छीनता है, जिसका नाम संतोष बताया जाता है, जो बलसवा देरी का रहने वाला है। उन्होंने पहले भी इस बारे में कई बार कंप्लेंट दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, लेकिन आज जो थाना अध्यक्ष को यहाँ पर 130 कंप्लेंट दी गई हैं, उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके थाने में उसको बंद किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं जसविंदर सिंह, P24 न्यूज़।